अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक आई हो? किधर खरखरे से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। कुछ सवाल मेरे पास ऐसे आ चुके हैं कि जिनका जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और मेरे ख्याल से इन चीज़ों को क्लेरिफाई करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में यही है कि जी जब तक हम अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट यानी कि आएगा तब तक हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अमेरिका के स्टूडेंट वीज़ा की सबसे बड़ी खासियत, आज मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा, शायद आपके किसी भी यानी कि नॉलेज में नहीं आया होगा अभी तक, और ये अगर सवालात के जवाब आपको मिल जाते हैं तो आई होप कि आपको अपना अप्लाई करने में थोड़ी आसानी मिल जाएगी। पहला सवाल ये है कि मैंने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, चाहे वो मैट्रिक के हैं या FSC के हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के हैं या BS के हैं, अभी मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले मेरा रिजल्ट आ जाए उसके बाद अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मुझे अभी अप्लाई कर देना चाहिए? तो देखिए, इसके जवाब दो हिस्सों में। पहला जवाब है कि अगर आप BS कर रहे हैं और BS के बाद आप MS पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यस, यू हैव टू अवेट योर रिजल्ट। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से मैट्रिक किया है या FSC किया है या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया है या इंडिया से 12th ईयर ऑफ एजुकेशन या फिर दुनिया में कहीं से भी, अगर आपको मेरी जबान समझ में आ रही है, आप अंडरस्टैंड करते हैं उर्दू को, क्योंकि उर्दू और हिंदी तो मिलती जुलती जबान है, तो अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मैट्रिक किया हुआ है पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी, 10th स्टैंडर्ड आपने मुकम्मल किया है, अभी आपका हाई स्कूल कम्प्लीट नहीं हुआ है। हाई स्कूल के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 12th ईयर ऑफ एजुकेशन मिनिमम इज इक्वलेंट टू हाई स्कूल। अगर नहीं किया हुआ कोई बात नहीं, आप अपना हाई स्कूल US में भी कंप्लीट कर सकते हैं और स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के मौके आपके पास मौजूद हैं। इवन कि आपका मैट्रिकुलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि 10th स्टैंडर्ड आपने कंप्लीट नहीं किया है और आप अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, यस यू कैन अप्लाई, और आप अपना एडमिशन भी सिक्योर कर सकते हैं और उसके अलावा आप वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेनिफिशियरी है, और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो है अपना एक तो टाइम भी बचा पाएंगे, आप अपना रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे तो इसी दौरान, अब आपको पता है पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी, US की जो एम्बेसी है उसमें वैसे ही बहुत लंबी लाइन है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैंने प्लान किया कि मैंने US जाना है तो मिनिमम मुझे 2 से 3 माह पहले प्लान करना ज़रूरी है। अब आप एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, एग्ज़ाम्स देने के बाद आपने प्लान किया हुआ है कि मैंने US जाना है, तो उसके बाद क्या होगा, आप वेट करेंगे रिजल्ट्स के, जैसे ही रिजल्ट आएंगे फिर आप कहेंगे किसी एजेंट को तलाश करेंगे या खुद से तलाश करेंगे, खुद से करेंगे और आप अप्लाई कर देंगे जी स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन इस सब करने में भी आपके 2-3 माह लग जाएंगे और उसमें आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, मे बी पॉसिबल कि आपका इनटेक निकल जाए, जैसे अभी अगस्त सेप्टेम्बर का इनटेक है ऑन द लाइन, अभी उसके एडमिशन हो रहे हैं, तो इसलिए उस टाइम को बचाने के लिए मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना दी। मैंने सोचा कि आप लोगों का एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और एक और आपको मैं गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पाकिस्तान से या अपनी कोई भी होम कंट्री उससे किया हुआ है और उसके बाद या उसका वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, और आपने प्लान किया हुआ है कि मैंने US जाना है, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू कम्प्लीट योर हाई स्कूल along with your associate degree। तो इसका मतलब है अगले 2 सालों में आपकी associate degree भी मुकम्मल हो जाएगी और साथ ही साथ आपका high school भी complete हो जाएगा, और मजीद 2 साल अगर आपने university में spend किए जो कि आपने करने, तो आपका bachelor's degree भी complete हो जाएगा। तो एक तो आपके 2 साल बच गए, आपने 2 साल अपने सिक्योर कर लिए, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया कहीं से भी होते तो पहले आप इंटरमीडिएट FSC 12th ईयर एजुकेशन हाई स्कूल कम्प्लीट करते, उसके बाद आप 4 साल का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम करने के लिए जाते। लेकिन यहाँ पर बचत आपकी क्या आ गई कि आपके जो 2 साल हैं जो कि आपने इजाफी अपने मुल्क में देने थे, ये भी अब आप US में कंप्लीट कर रहे हैं, और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है उसी 2 साल के दौरान आप अपनी एसोसिएट डिग्री भी मुकम्मल कर रहे हैं, यानी कि जो काम 4 साल में होना था वो आपने 2 साल में पूरा कर लिया, और मजीद 2 साल आपने स्पेंड करने हैं, आपको बैचलर्स डिग्री मिल जानी है, तो 2 साल भी आपने बचा लिए। और तीसरा बड़ा बेनिफिट जो मैं अब आपको बताने चला हूँ, पहली बात कि जो आपका हाई स्कूल का जो आपको डिग्री मिलनी है वो भी अब आपको US से मिलेगी, और उसके बाद जो आपकी बैचलर्स डिग्री हो तो आपको US से मिलनी है, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन आपकी जो हाई स्कूल है वो भी US की होगी, तो आपकी कंप्लीट बेस बन चुकी। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं आसानी आपको नहीं बता सकता,
और यूएस की एक खासियत मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये गैप को करते हैं कंसीडर, लेकिन उसके बावजूद एडमिशन आपको मिल जाता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में कुछ करने की चाहत है, अगर आप स्पेशल है, आपको लगता है कि हाँ जी आई एम द स्पेशल वन, क्योंकि देखें पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम को वीज़ा मिल जाए और ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम को वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। आप में कुछ खासियत है, आप में लगता है कि हाँ जी मैं स्पेशल हूँ और मैं तो लेके रहूँगा, ज़िद्दी हूँ। एरोगेंस का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही ज़्यादा घमंड, घमंड के साथ साथ एक फ़ख्र का भी नाम होता है कि हाँ भाई मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लोगों से ज़रा डिफरेंट हूँ, मैं चाहता हूँ आगे निकल सकता हूँ। तो भाई अगर ये कॉन्फिडेंस है तो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, आपको अप्लाई करना चाहिए। ट्यूशन फीस भी आपने पाकिस्तान या इंडिया कहीं से पे नहीं करनी है, आपने जो भी ट्यूशन फीस पे करनी है अमेरिका पहुंच के पे करनी है, इससे ज़्यादा और क्या सिक्योरिटी लेंगे आप। और जो एजेंट आपको मिला है मेरी सूरत में, अगर आप मेरे ज़रिए करवाते हैं तो मेरे ज़रिए सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलना है कि मुझे कुछ भी आपने पे नहीं करना, अगर कुछ पे करना भी है तो वीज़ा के बाद पे करना है। तो यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को आपने ट्यूशन फीस पे नहीं करनी एडवांस में, यहाँ आपकी बचत हो जाती है। फिर आपने क्या कहते हैं जो कंसल्टेंसी फ़ी है जिसे किसी भी एजेंट को अगर पे करनी है तो वो भी आपने एडवांस में पे नहीं करनी। मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट करना है, आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना। क्यों? मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने मुझे एडवांस में कुछ पैसे नहीं दिए हैं, मैं कहीं भाग नहीं सकता हूँ, ना ही भागना चाहूँगा क्योंकि आपका वीज़ा लगेगा उसके बाद ही मुझे कुछ बेनिफिट होगा। हाँ आप कहीं भाग सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ किया है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बुरों में इतने सारे अच्छे हैं, उनमें से एक दो बुरे निकल आते हैं तो मैं उनको काउंट नहीं करता, उसकी वजह से मैं अपना काम रोक नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता आप पे ट्रस्ट करना छोड़ दूँ। मैं मार्केट को जानता हूँ, एजेंट्स ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो इसलिए मुझे आपको सहूलत देनी है, आपको फैसिलिटेट करना है। ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, उसके बाद टाइम लें, इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी, कुछ मज़ीद डिस्कशन होगी तो वो भी हो जाएगी। और ट्यूशन फीस के हवाले से भी, तमाम चीज़ों के हवाले से मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम आपका एक टेस्ट करवाते हैं जो कि ऑनलाइन होता है, जिसको आप क्लेरिफाई कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं तो डायरेक्टली यू आर गोइंग टू टेक योर एकेडमिक क्लासेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका without Duolingo। तो आई होप कि आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद कोई सवाल अगर मैं कवर नहीं कर पाया हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी तमाम क्यूरीज की जवाब देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।